In this video, we will cover the topic Nature of Management as an Art, Nature of Management as a Science, Nature of Management as a Profession. Basically, हमें ये बताना है कि क्या मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं, और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं. सो इसको करने के लिए पहले हम देखेंगे कि आर्ट क्या होता है, उसके क्या फीचर्स होते हैं. देन उसको हम मैनेजमेंट के फीचर से कंपेयर करेंगे और बताएंगे कि क्या मैनेजमेंट को हम एक आर्ट बोल सकते हैं या नहीं. सिमिलरली विद साइंस एंड प्रोफेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज एन आर्ट. तो हमें बताना है कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या फिर नहीं. सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होते हैं और आर्ट के फीचर्स क्या होते हैं. सो आर्ट इज अ पर्सनलाइज्ड एंड स्किलफुल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. एग्जिस्टिंग नॉलेज मीन्स ऑलरेडी बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारा थ्योरी लिटरेचर अवेलेबल होता है आर्ट में, और उसका स्किलफुल, उसे स्किल के साथ और पर्सनलाइज, पर्सनलाइज मतलब अपने इंडिविजुअल तरीके से, हर पर्सन का एक तरीका होता है. सो नॉलेज सेम है बट लोग उसको अपने अपने तरीके से अप्लाई करते हैं टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट. इसको आर्ट बोलते हैं. जैसे पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, हमने देखा है हर पेंटर, हर डांसर, हर सिंगर अलग अलग तरह से थ्योरी को अप्लाई करके एक यूनिक वे में अपना आर्ट सामने लेके आता है. आर्ट के फीचर्स देखते हैं. देर आर थ्री फीचर्स ऑफ आर्ट. फर्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. सेकेंड, पर्सनलाइज एप्लीकेशन. एंड थर्ड, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. सो आर्ट का पहला फीचर है कि आर्ट में देर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. किसी भी फील्ड ऑफ आर्ट में बहुत सारा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है उसकी हिस्ट्री के बारे में, अलग अलग आर्ट वर्क. तो ऑलरेडी देयर इज सो मच डन इन द फील्ड ऑफ आर्ट, और उस फील्ड की नॉलेज इजिली हम एक्वायर कर सकते हैं थ्रू बुक्स एंड लिटरेचर. सो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज मीनिंग कि हर फील्ड ऑफ आर्ट में मार्केट में आराम से बुक्स एंड लिटरेचर अवेलेबल हैं जिसको पढ़ के हम उस फील्ड के बारे में नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. सो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. सेकेंड फीचर ऑफ आर्ट इज पर्सनलाइज एप्लीकेशन. पर्सनलाइज एप्लीकेशन होता है कि इंडिविजुअल, सबका अपना अपना तरीका. अब डिफरेंट आर्टिस्ट हैं जबकि हमारी जो बुक्स हैं वो सेम है, लिटरेचर सेम है, पर जो आर्टिस्ट हैं वो अलग अलग तरीके से उन नॉलेज को अप्लाई करते हैं, अपने क्रिएटिव ढंग से उसको अप्लाई करते हैं. हमने देखा है चाहे दो एक्टर्स हों, दो डांसर्स हों, दो सिंगर्स हों, वो कभी भी एकदम सेम नहीं होते अपने वर्क में. उन सब में आपस में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है क्योंकि सबने अपने इंडिविजुअल तरीके से, अपने यूनिक तरीके से उस नॉलेज को अप्लाई किया. सो दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन. थर्ड फीचर ऑफ आर्ट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. जितना ज्यादा आर्टिस्ट प्रैक्टिस करेगा और क्रिएटिविटी से काम करेगा उतना ही ज्यादा वो अपने स्किल्स इम्प्रूव कर सकता है. सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए कि प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी होना चाहिए. सो ये तीन फीचर हो गए आर्ट के. अब हमें बताना है कि क्या मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं या नहीं. सो उसके लिए हम एक एक फीचर चेक करेंगे कि मैनेजमेंट वो फीचर को फुलफिल करता है या नहीं. सो फर्स्ट फीचर अगर देखा जाए तो एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज. मैनेजमेंट की भी नॉलेज एक्वायर करनी हो तो हम इजीली जाके मार्केट से बुक्स और लिटरेचर खरीद सकते हैं. मैनेजमेंट में भी बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत सारी बुक्स बनी हुई हैं. सो दिस फीचर इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो फर्स्ट फीचर जो हमारा आर्ट का है, सेम फीचर मैनेजमेंट में भी प्रेजेंट है. सेकेंड फीचर हम देखें पर्सनलाइज एप्लीकेशन. तो मैनेजमेंट के केस में भी कभी भी दो मैनेजर्स का काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल सेम नहीं होता है. हर मैनेजर अपनी अपनी तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, अपने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है. सो हमेशा दो मैनेजर्स आपस में डिफर करते हैं बिकॉज उनका जो काम करने का स्टाइल है वो अलग अलग है. सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. थर्ड फीचर इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी. तो ऑब्वियसली बात है कि मैनेजर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, जितना ज्यादा
क्रिएटिव तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, उतना ज्यादा वो एक अच्छा और इफेक्टिव मैनेजर बन सकता है. सो दिस फीचर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो आर्ट के तीनों ही फीचर्स में मैनेजमेंट मैनेजमेंट में प्रेजेंट है. सो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक आर्ट है. बिल्कुल. सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट बिकॉज ऑल द थ्री फीचर्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सो हमने क्या कंक्लूड किया? दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. आर्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज भी है, बुक्स अवेलेबल हैं, पर्सनलाइज एप्लीकेशन भी है, क्योंकि हर मैनेजर दूसरे मैनेजर से अलग तरीके से काम करता है, और एक अच्छा मैनेजर बनने के लिए प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिविटी भी बहुत जरूरी है. सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट. नेक्स्ट आते हैं हम मैनेजमेंट एज अ साइंस. अब जैसे हमने आर्ट का देखा था, ऐसे ही हम बताएंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या नहीं. तो उसके लिए पहले हम देखेंगे कि साइंस क्या होता है और साइंस के फीचर्स क्या होते हैं. सो साइंस, वी ऑल नो, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. और ये कैसे फॉर्म हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स. साइंस में जितने भी फैक्ट्स आए हैं या प्रिंसिपल्स आए हैं, वो कैसे आए हैं? थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इन लैब्स. लेट्स मूव ऑन टू फीचर्स ऑफ साइंस. सो देर आर थ्री फीचर्स ऑफ साइंस. फर्स्ट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. साइंस एक सिस्टमैटिक बॉडी है, इसमें बहुत सारे थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स है. सो वी ऑल नो कि साइंस में बहुत सारी बुक्स है, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं साइंस में. हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो साइंस हैज लिटरेचर, थ्योरी एंड प्रिंसिपल, और इसकी नॉलेज हम इजिली बुक्स से एक्वायर कर सकते हैं. सेकेंड फीचर ऑफ साइंस इज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. जो हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये कैसे फॉर्म हुए थे? थ्रू एक्सपेरिमेंट्स इन द लैब्स. थर्ड वन, यूनिवर्सल वैलिडिटी. यूनिवर्सल वैलिडिटी का क्या मतलब होता है? कि जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं उसको हम कहीं भी अप्लाई करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम ही आएगा. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इंडिया में कुछ और रिजल्ट आ रहा है और यूएस में जाके कुछ और रिजल्ट आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हाइड्रोजन के दो एटम्स एंड ऑक्सीजन का एक एटम मिला दें तो अगर वो वाटर इंडिया में बनेगा तो सेम रिजल्ट ऑस्ट्रेलिया या यूएस में भी आएगा. आज अगर ये रिजल्ट आएगा तो कल भी यही रिजल्ट आएगा. तो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस किसी भी सिचुएशन में अगर हम अप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट हर सिचुएशन में सेम आएगा. दे आर यूनिवर्सली वैलिड. सो ये हो गए साइंस के तीन फीचर्स. नाउ वी हैव टू चेक वेदर मैनेजमेंट इज अ साइंस और नॉट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. सो वी ऑल नो दैट मैनेजमेंट में भी थ्योरी है, मैनेजमेंट के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं. ये प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और इन थ्योरी और प्रिंसिपल्स की नॉलेज हम इजीली एक्वायर कर सकते हैं. हम मार्केट से जाके बुक्स खरीद सकते हैं, हम क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं. सो फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सेकेंड फीचर ऑफ साइंस इज प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स. अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो भी कैसे आए हैं? वो भी ऑब्जर्वेशन से ही आए हैं. बट बिकॉज मैनेजर्स किससे डील करते हैं? ह्यूमन बींग से डील करते हैं, और हर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन से अलग होता है. तो हम 100% एक्यूरेसी से नहीं बोल सकते, क्योंकि एक ह्यूमन को ऑब्जर्व करके हम एक साइंटिफिक फैक्ट नहीं बना सकते हैं. सो ये प्रिंसिपल हम बोलेंगे दैट दिस प्रिंसिपल इज नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. सेकेंड फीचर ऑफ साइंस जो है वो नॉट फुली प्रेजेंट है, ये पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं है. क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, सो रिजल्ट्स कैन नॉट बी 100% एक्यूरेट. क्योंकि एक ह्यूमन का बिहेवियर हम 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. थर्ड फीचर ऑफ साइंस, यूनिवर्सल वैलिडिटी. अगेन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर सिचुएशन में बिल्कुल ब्लाइंडली हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं. दिस हैज टू बी मॉडिफाइड एज पर द सिचुएशन. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को भी हम ये पॉइंट भी फुली प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि
management principles have to be modified as per the situation. So again, this is also not present in the management. So अगर हम first feature देखें, ये पूरी तरीके से present था management में, but second और third feature fully present नहीं है. So हम क्या बोल सकते हैं कि management एक perfect science नहीं है. Management is not pure science like physics or chemistry or bio. So management is not exact, but still हम इसको एक science or soft science or social science or inexact science बोल सकते हैं. So management is a science, but it is not a pure science. So let's quickly revise. Science के तीन feature थे, systematic body of knowledge, principle based on experiments, universal validity. इसमें से management में fully present कौन सा है? Only first one. Second and third पूरी तरीके से present नहीं है. Now nature of management as a profession. So first of all, profession क्या होता है? ये हमने 11th class में ही पढ़ा था. Profession एक economic activity है. Economic activity क्या होता है? जो money earn करने के लिए किया जाता है. Which involves use of special knowledge. Professional वही बन सकता है जिसके पास कोई special knowledge या skill हो किसी field की. और उसका purpose वो किस लिए करेगा? To serve the people of society. Society में जो लोग हैं उनको जब जरूरत होगी उनको सर्विस देने के लिए किया जाएगा. सो प्रोफेशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स यूज ऑफ स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू सर्व द पीपल ऑफ सोसाइटी. एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं प्रोफेशन के? लॉयर, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये सब किस में आते हैं? प्रोफेशन में. लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ प्रोफेशन. सो अगेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोफेशन का फर्स्ट फीचर है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. किसी भी फील्ड ऑफ प्रोफेशन में, चाहे वो लॉ हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी हो, हम जाके नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं. हम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, हम बुक्स और लिटरेचर खरीद सकते हैं. सेकंड इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री. प्रोफेशन में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. ऐसा नहीं है कि कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, कोई भी लॉयर बन जाएगा. उसके लिए क्या होना चाहिए? डिग्री होनी चाहिए. सो लॉयर बनने के लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए. चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आपके पास चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स की डिग्री होनी चाहिए. सो किसी भी प्रोफेशन में एंटर करने के लिए रिक्वायर्ड एजुकेशन, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन पूरी होगी, तभी उस फील्ड में एंटर कर सकते हैं. थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन. अगर आपको एक किसी प्रोफेशन का मेंबरशिप चाहिए तो उसका आपको एसोसिएशन ज्वाइन करना पड़ेगा, वहां से आपको मेंबरशिप मिलेगा. सो पहले आपको डिग्री एक्वायर करना है, कोर्स कंप्लीट करना है, देन यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन. नेक्स्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? वेज की कैसे, रूल्स रेगुलेशंस की कैसे आपको किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना है और कैसे बिहेव नहीं करना. तो हर प्रोफेशनल फील्ड में एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है ग्रुप मेंबर्स के लिए, जो कि प्रोफेशनल एसोसिएशन निकालती है, जो कि मेंबर्स को स्ट्रिक्टली कंपल्सरिली फॉलो करना ही करना होता है. जैसे डॉक्टर्स के लिए मेडिकल काउंसिल निकालती है, लॉयर के लिए बार काउंसिल निकालती है. तो देयर सेट ऑफ गाइडलाइंस, सेट ऑफ रूल्स विच द मेंबर्स हैव टू फॉलो. सो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो कि मेंबर्स को फॉलो करना होता है प्रोफेशन में. फिफ्थ फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रोफेशन क्यों किया जाता है? टू सर्व द सोसाइटी. अगर डॉक्टर हैं तो वो सोसाइटी में अपनी सर्विस देंगे, लॉयर भी सोसाइटी को. सो सोशल सर्विस इज द मोटिव ऑफ प्रोफेशन. सो ये फाइव फीचर्स हो गए प्रोफेशन के. अब हमें क्या चेक करना है? अब हमें कंपेयर करना है कि मैनेजमेंट में ये फीचर्स प्रेजेंट हैं या नहीं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. सो ऑब्वियसली ये प्रेजेंट है. मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसकी नॉलेज एक्वायर की जा सकती है. अगेन, बुक्स एंड लिटरेचर है मैनेजमेंट में, सो ये फीचर प्रेजेंट है. रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्या मैनेजमेंट में भी कोई एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है? मैनेजर बनने के लिए क्या कोई डिग्री चाहिए?
ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी मैनेजर बन सकता है. देर इज नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू बिकम अ मैनेजर. सो ये वाला फीचर प्रोफेशन का मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज प्रोफेशन में एंटर करने के लिए एक डिग्री होनी चाहिए, जबकि मैनेजर बनने के लिए एज सच कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं होती है. थर्ड पॉइंट, प्रोफेशनल एसोसिएशन. सो मैनेजमेंट की फील्ड में भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के नाम से, बट उसका मेंबरशिप, उसका मेंबर बनना इज नॉट कंपल्सरी. सो अगेन दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट. देन कोड ऑफ कंडक्ट. सो मैनेजर्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना इज नॉट कंपल्सरी. जैसे प्रोफेशनल्स के लिए क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना ही करना है, बट मैनेजर के लिए एज सच देर इज नो कंपल्सरी कोड ऑफ कंडक्ट. सो दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट. नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल सर्विस. क्या मैनेजमेंट का काम सोसाइटी को सर्व करना है? तो हम मैनेजमेंट का फर्स्ट डे से डिस्कस करते आ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करना. सो मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है, टू अचीव प्री डिटरमिंड गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब वो प्रॉफिट भी हो सकता है, वो सोशल सर्विस भी हो सकता है. सो एज सच दिस फीचर इज ऑल्सो नॉट फुली प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बिकॉज नो डाउट मैनेजर्स शुड फोकस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव्स, बट मैनेजमेंट का मेन मोटिव क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है उसको अचीव करना. सो एज अ रिजल्ट हम क्या बोल सकते हैं, क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? मैनेजमेंट एक फुल प्रोफेशन तो नहीं है, बिकॉज हमने देखा प्रोफेशन के काफी सारे फीचर्स मैनेजमेंट में अवेलेबल नहीं है. सो मैनेजमेंट इज नॉट अ फुल फ्लेज प्रोफेशन. ये एक तरह से पूरा प्रोफेशन नहीं है, ये एक तरह से डेवलपिंग फेज है. मे बी आने वाले टाइम में ये प्रोफेशन बन जाए, बट एज ऑफ नाउ ये पूरा प्रोफेशन के फीचर्स को फुलफिल नहीं करता है. सो मैनेजमेंट इज एन डेवलपिंग फेज ऑफ प्रोफेशन, ये पूरी तरीके से प्रोफेशन नहीं है. सो प्रोफेशन के कितने फीचर्स थे? 5 फीचर्स: वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, कोड ऑफ कंडक्ट एंड सोशल सर्विस. इन सब फीचर्स में से सिर्फ एक ही फीचर को मैनेजमेंट पूरी तरीके से फुलफिल करता है, विच इज वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज. बाकी सब, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री तो पूरी तरह से ही प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है. अगेन मेंबरशिप लेना भी पूरी तरीके से ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है. कोड ऑफ कंडक्ट भी एज सच कंपल्सरी नहीं है. सोशल सर्विस भी मेन मोटिव ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करना. सो थैंक यू, आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू.